पुलिस लिखे वाहन से हो रही थी नशीली कप सिरप की तस्करी। पुलिसकर्मी से संबंधित एक व्यक्ति भी गिरफ्तार। बता दें कि सिविल लाइन थाना क्षेत्र के जयस्तंभ में हुई बड़ी कार्रवाई। वाहन चेकिंग के दौरान पकड़ा गया नशीली कप सिरप का जखीरा। आपको बता दें कि रीवा के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के जयस्तंभ के समीप बीती शाम नशीली कप सिरप का जखीरा पुलिस के हाथ लगा है, जिसे क्रिएटा गाड़ी में नशीली की कप सिरप पकड़ी गई है। बता दें कि जिस वाहन में नशीली कप सिरप की तस्करी हो रही थी, वह भी पुलिस का ही वाहन बताया जा रहा है। कार्रवाई के संबंध में CSP ऋतु उपाध्याय ने खुलासा करते हुए बताया कि मुखबिर से मिली सूचना के बाद शहर में पॉइंट लगाए गए थे, तभी जयस्तंभ के समीप क्रिएटा वाहन की चेकिंग करने पर नशीली कप सिरप बरामद की गई। मौके पर ही मयंक सिंह नामक व्यक्ति को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई, तो इसके बाद प्रसून मिश्रा नामक व्यक्ति को भी गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि कुंदन मिश्रा नामक एक युवक अभी भी फरार बताया जा रहा है। वाहन से पकड़ी गई नशीली कप सिरप के संबंध में पूछताछ करने पर आरोपी के निशानदेही पर करैया के हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में कमरा नंबर 26 में दबिश देने पर नशीली कप सिरप का जखीरा पुलिस ने बरामद कर लिया है। बताया जा रहा है कि मयंक सिंह रेलवे में कर्मचारी है और पुलिसकर्मी का पति भी है। पुलिस के द्वारा गाड़ी और कमरे से बरामद की गई नशीली कप सिरप में 166 cc बताई जा रही है। इसमें वाहन सहित 20 लाख का मशरूका पुलिस ने जब्त किया है। नशीली कप सिरप की तस्करी मामले में पकड़े गए आरोपियों से अन्य आरोपियों के संबंध में भी जानकारी एकत्रित की जा रही है। सूचना प्राप्त हुई कि एक क्रेटा गाड़ी में ऑनरेक्स प्रतिबंधित ऑनरेक्स कप सिरप की को कबाड़ी मोहल्ला में उतारने के लिए कुछ लोग आए हुए हैं। इस संबंध में यातायात ट्रैफिक द्वारा पॉइंट्स लगाए गए थे, तो यातायात पुलिस के अखिलेश द्वारा देखा गया कि क्रेटा गाड़ी आई है, तो तत्काल उसके द्वारा गाड़ी को रोका गया। चूँकि वो पेटियां उतार चुके थे, तो गाड़ी को रोकते हुए तत्काल सिविल लाइन थाना प्रभारी को सूचना दी एवं सूचना मुझ तक आई। वरिष्ठ अधिकारियों के संज्ञान में बात लाते हुए वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश अनुसार, श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेश अनुसार आगे कार्रवाई करने के लिए एक व्यक्ति को पकड़ा गया। उसमें मयंक सिंह था जो गाड़ी में बैठा हुआ था, उसे पकड़ा गया एवं क्रेटा गाड़ी को थाने में रखा गया, जानकारी ली गई। दो व्यक्ति भाग गए थे, जिसमें एक प्रसून मिश्रा था और कुंदन। तो प्रसून को ढेखा के पास पकड़ा गया है, जिसमें और कुंदन फरार है अभी, तो उसकी तलाशी उसको जो जानकारी ली जा रही है कि अभी कहाँ है, पता तलाशी की जा रही है। गाड़ी के मिलने के बाद जो व्यक्ति पकड़ा गया उससे जानकारी प्राप्त की। जानकारी प्राप्त करने के बाद जानकारी मिली कि मैदानी में एक कॉलोनी है, जहां एक मकान में कुछ अवैध रूप से पेटियां रखी गई हैं ऑनरेक्स कप सिरप की। जानकारी में बताए अनुसार स्थान पर गए और स्थान पर जाकर पाया गया कि प्रतिबंधित कप सिरप रखा गया है, जिसमें 1166 cc प्रतिबंधित ऑनरेक्स कप सिरप जब्त किया गया, जो लगभग 2,10,000 रुपये कीमत का है। क्रेटा गाड़ी जब्त की गई जो लगभग 17 लाख रुपये की है। कुल कीमत की जो मशरूका है वो लगभग 20 लाख रुपये की जब्ती की गई है। और प्रतिबंधित ऑनरेक्स कप सिरप पर थाना सिविल लाइन मृगेंद्र गौरव साइबर सेल की हमारी पूरी टीम रही और सिविल लाइन की पूरी टीम ने कार्यवाही की है वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में, और अभी पूछताछ जारी है। पूछताछ में जो भी संबंधित व्यक्तियों के नाम आते हैं आगे उसमें विवेचना में लेते हुए कार्यवाही की जाएगी। अभी संबंधित विषय में जानकारी ली जा रही है और आगे जो भी कार्यवाही होगी उससे आपको सूचित किया जाएगा। ये मयंक सिंह अभी पूछताछ लगातार जारी है, अभी हमारे पास जो व्यक्ति हैं आरोपी हैं उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। संबंधित विषय में जो भी आगे जानकारी होगी उसको विवेचना में लिया जाएगा और अग्रिम कार्यवाही की जाएगी।